हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेंट रूल, केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको सीखने से हमें पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन में अगर दो तरह का बॉन्ड एंगल है तो क्यों है, और दो तरह का बॉन्ड लेंथ है तो क्यों है। तो चलो देखते हैं बेंट रूल क्या है और इसको सीखने का फायदा क्या है, इसे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे और किस तरह से समझेंगे कि कहां पर कैसे और क्या होगा और क्यों। बेंट रूल इज ऑब्जर्व्ड इन मॉलिक्यूल और आयन कंटेनिंग sp3d, as for example pcl5 and sp3d3, xcf5 minus type molecule or ion। तो जिसमें hybridization चाहे sp3d हो जैसे pcl5, hybridization sp3d3 हो जैसे xcf5 minus, इस तरह के केसेज में बेंट रूल ऑब्जर्व किया जाता है। अब सवाल यह है कि हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। बेंट रूल इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल की बात मैं कर रहा हूं। आप देखो कि pcl5 में हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है तो ये इस तरह का शेप रखेगा, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये होगा। इसमें दो एक्सियल पोजीशंस होंगे और तीन इक्विटोरियल पोजीशंस होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। इसके बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री एट इक्विटोरियल पोजीशन एंड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एट एक्सियल पोजीशन। अब सवाल ये है कि इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल हुए क्यों और बॉन्ड लेंथ भी ये छोटा है, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा और एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगा, क्यों होगा, इसको समझा जाए। और इसको समझने से कुछ क्वेश्चंस बनाने में आपको बड़ी ही फायदा होगा। इसके अलावा आप समझ पाओगे कि अगर लोन प्यार आता है इस तरह के हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में तो वो कहां जाएगा और क्यों जाएगा। तो देखते हैं, दिस मॉलिक्यूल कंटेन एक्चुअल टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक हाइब्रिडाइजेशन है sp2, थ्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने कहा दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक sp2 और दूसरा pd। जरा यहां देखो ध्यान से, ये फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, इसमें 3d मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये होगा और एक्साइटेड स्टेट में ये सारा मिला के sp3d है, लेकिन इसमें तीन ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड और दो ऑर्बिटल pd हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब इसमें जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो वाइड एंड शॉर्ट होगा, क्योंकि s स्फेरिकल है तो वाइड हो जाएगा उसके चलते, और उसमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और s ऑर्बिटल सिर्फ इन्वॉल्व है, इसलिए उसका साइज शॉर्ट होगा।
ये इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएंगे और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे क्योंकि एस कैरेक्टर होने से इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। फिर आप देखो टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पी एंड डी न्यूक्लियस से दूर होने के चलते वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पी और डी के मिक्सिंग से बना है इसलिए लॉन्ग एंड थीन होंगे ये। तो आप देखा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइब्रिड ऑर्बिटल, लॉन्ग एंड थीन है। तो इस तरह से लॉन्ग एंड थीन होने के चलते ये बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ बढ़ गया और ये एक्सियल पोजीशन पर चला गया, ये शॉर्ट एंड थीन होने के चलते ये शॉर्ट एंड वाइड होने के चलते ये प्लेस्ड हो गया यहां पर आके, वाइड एंड शॉर्ट होने के चलते ये प्लेस्ड हो गया एक प्लेन में ट्रायगोनली। और इस तरह से आपने देखा कि ये एक्सियल पोजीशन पर दो सीएल और इक्विटोरियल पोजीशन पर तीन सीएल। अब सोचो अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे SF4 होगा तो उसमें क्या होगा, SF4 के केस में क्या होगा? तो बेटा SF4 के केस में लोन पेयर जो है, SF4 के केस में लोन पेयर जाएगा आपको, लोन पेयर जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन, लोन पेयर जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पर, किसी एक इक्विटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर जाएगा और इसके चलते इसका शेप जो है शीशो हो जाएगा, इसका शेप शीशो हो जाएगा। अब लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर ही क्यों जाएगा, इसको समझा जाए। लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर ही क्यों जाएगा? तो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर इसलिए जाएगा क्योंकि वहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वहां इलेक्ट्रॉन पेयर जाना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से लोन पेयर यहां पर आया, लोन पेयर यहां पर आया। अगर आपको लोन पेयर दो होगा तो फिर लोन पेयर इक्विटोरियल पर ही जाएगा, लोन पेयर तीन होगा तो फिर लोन पेयर इक्विटोरियल पर ही जाएगा। अब आपको निश्चित रूप से और भी एग्जांपल पता होगा कि सेम हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर एक, लोन पेयर दो और लोन पेयर तीन का केस कैसे हो सकता है। अब हम बात करें दो लोन पेयर का केस, लो दो लोन पेयर का केस हम लेते हैं ICl3 अगर लेते हैं बच्चे, ICl3 लेते हैं तब उसमें क्या हो जाएगा। ICl3 में ध्यान देना, ICl3 में लोन पेयर दो चले जाएंगे, लोन पेयर दो चले जाएंगे और ये टी शेप्ड हो जाएगा। ये देखो लोन पेयर एक यहां, लोन पेयर दूसरा यहां और ये टी शेप्ड हो गया। ठीक उसी ढंग से अगर मैं बात करूं XCF2 की, किसकी बात करूं, XCF2 की बात करूं बेटे, XCF2 की बात अगर करूं, XCF2 की बात करूं तो इसमें तीन लोन पेयर होंगे और तीन लोन पेयर होने के चलते निश्चित रूप से तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर आ जाएंगे, तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर आ जाएंगे और ये हो जाएगा लीनियर, ये हो जाएगा लीनियर, इसका शेप हो जाएगा। तो आपने देखा कि लोन पेयर इक्विटोरियल पर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान देना, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखना आप लोग।
अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल इस तरह का है, कोई मॉलिक्यूल PCl3F2 है, तो अब सवाल यह है कि F कहां जाएगा और Cl कहां जाएगा। तो ये जो है F जाएगा निश्चित रूप से आपको एक्सियल पोजीशन पर, और Cl जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा। ये देखो, ये F यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। तो F अगर यहां जाता है तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होने के चलते, बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होने के चलते क्या होगा, जब ये ब्रेक करेगा PCl3F2 ब्रेक करेगा, ये PCl3+F2 में ब्रेक करेगा। तो आपने देखा कि क्या हुआ यहां पर। आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिला कि अगर मॉलिक्यूल PCl3F2 है तो F कहां जाएगा और Cl कहां जाएगा। तो बेटे इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है कि ब्रेक करने के बाद कहां क्या मिलेगा, PCl3F2 मिलेगा या PCl F2 Cl2 मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपका सही जवाब हो सकता है। तो यहां पर देखो, ये वाइड एंड शॉर्ट था और हमारा Cl जो है वो लॉन्ग है, इसलिए वाइड एंड शॉर्ट पर ये जाके एडजस्ट होगा और F का साइज छोटा है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F2 जाएगा, एक F ऊपर एक F नीचे, और इसीलिए आसानी से ब्रेक करेगा क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक उसी ढंग से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो निश्चित रूप से दूसरा एग्जांपल देखें बेटे, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें और देखें क्या है। अगर मैं Pi3Br2 लेता हूं तो इसमें भी ये Pi3+Br2 इस तरह से ब्रेक करेगा और हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा। निश्चित रूप से जहां पर F है वहां पर Br जाएगा और I इक्विटोरियल पोजीशन पर मौजूद होगा। तो आपने देखा किस तरह से बेंट रूल का यूज क्वेश्चन बनाने में आप कर सकते हो, बेंट रूल का यूज क्वेश्चन बनाने में आप